उनको एक्ट नहीं आता तो कौन लिखता था कि क्या करते। ये आवाज उठाने में आपका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हमारा दोस्त अमर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन रुपिंदर कौर गिल के पास। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्री अमृतसर साहब के जो सेवादार हैं यानी कि जो नगर निगम के कमिश्नर हैं कंवल मित्तल की नियुक्ति को पर इन्होंने आज सवाल उठाए हैं। और ये सवाल ये है कि 10 साल का तजुर्बा ना हो तो कहीं भी नगर कमिश्नर की पोस्ट नहीं दी जा सकती। फिलहाल इस मामले में देखते हैं इनके पास क्या क्या सवाल हैं और क्या क्या जवाब भी हैं, क्या क्या सवाल भी हैं। इन दोनों से हम इनसे रूबरू होते हैं। तो एनवायरमेंट और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की श्रीमती रुपिंदर कौर जो चेयरपर्सन हैं, तो क्या बात है कि आपने कोमल मित्तल के खिलाफ आपने ये जो लेटर लिखी है गवर्नर और ये जो आपने एक्ट की कॉपी लिखी है गवर्नर को, तो ये क्या सारा मसला है, हमें हमारे दर्शकों को आप तफसील से बताइए। देखो जी, तुहानू पता ही है भी असी जिहड़ियां काफ़ी देर तो कारपोरेशन नूं शिकायत कर रहे हैं जिहड़ियां शहर दे विच इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, शहर की कोई जिहड़ी आ प्रोग्रेस नहीं हो रही, चाहे वह सड़कां ने चाहे वह सीवरेज ने जां कोई भी कारपोरेशन दे होर कोई काम हैगे ने, ठीक है जी। उहदे अकॉर्डिंग उस दिन तुहानू पता ही है कि मोती भाटिया दा असी देखिया कि एक्ट दे अकॉर्डिंग उन्हां नूं मतलब जिहड़ा उन्हां कारपोरेशन दी प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुँचाया ते उहदे विच उन्हां नूं जिहड़ा डिसक्वालीफाइड किया जा सकता। पढ़द्या फिर साडे ध्यान च आया पूरा, असी जदों एक्ट पढ़िया तो उहदे विच असी इह देखिया वी जिहड़ा मोढ़ी आ मोढ़ी को तजर्बा नहीं हैगा। देखो कोमल मित्तल जी मेरे सत्कारयोग ने पर उह 2014 बैच दे ने, ठीक है जी। 2000 जदों इत्थे लगे आ जी उदों उन्हां दा सिर्फ 5 साल दा मतलब IAS ऑफिसर बनण दा जिहड़ा तजर्बा सीगा। तां साडे अमृतसर दी 17 लख आबादी आ, ठीक है। एक तां कोमल मित्तल जी दी एज घट आ, मैं उन्हां नूं एक वारी जाके मिली हाँ तां मैनूं सीधे जाके उह कहिंदे जी तुसीं शिकायत करन आए, मेरी कोई सुनी नहीं। इहदा मतलब इह नहीं आ कि जे असीं कोई मुद्दा उठाउंदे आ तां सानूं कमिश्नर जांदे आ साडी गल ही ना सुणे, सानूं इह कहे तुसीं शिकायत करन आए। देखो मैं पहला भी कह चुकी हाँ कोई सानू चैलेंज नहीं कर सकता, ना तो असी ब्लैकमेलर हाँ और ना ही असी कदी साड़ी इस तरह की कोई गल पब्लिक दे सामने आएगी, ना ही ऑफिसर दे सामने आएगी। देखो हर एक दे विच एक जनून हुंदा, एक इनकलाब जे असी लियावांगे अपने शहर वास्ते, चलो पंजाब पता नहीं असी कवर कर पाईए कि ना कर पाईए, पर साड़ी ड्यूटी बनती है कि जिस शहर दे विच असी रहिंदे आ कम से कम उहदा सुधार कर सकीए। असी अपनी सोसाइटी दे अंदर एक लोक वॉइस टीम चलाई है जिस दे अंदर असी ये सब खुलासे करते हैं, असी कोशिश करते हैं कि मतलब जिहड़ा आपां अपने शहर का जिन्ना भी सुधार हो सके वह करिए। कोमल मित्तल जी का मतलब जिहड़ा एक्सपीरियंस नहीं हैगा कारपोरेशन दे विच कमिश्नर लगन वास्ते, घट तो घट जिहड़ा उहदा एक्ट वा 1974 दा उहदे विच साफ लिखा गया कि 10 साल का तजर्बा होना चाहिए। जदों ये कारपोरेशन की कमिश्नर लगे सीगे उदों इन्हां को 5 साल का तजर्बा ही, तो हुण इह वाले ईयर नूं लैके इन्हां दा जिहड़ा 6 साल का तजर्बा जिहड़ा हो रहा। सो असी मतलब लोकल बॉडी के मिनिस्टर साहब नूं भी जिहड़े हुण मौजूदा ने, जदों कोमल मित्तल जी लगे उदों जिहड़े सीगे मतलब मिनिस्टर साहब होर सीगे, असी उन्हां नूं भी अनुरोध किया, असी गवर्नर साहब नूं भी पाई, असी CM साहब नूं भी ऑलरेडी कल दी असी शिकायत पा चुके हैं, ठीक है ना। असी अमृतसर डिप्टी कमिश्नर नूं भी पाई है, कमिश्नर नूं भी पाई है, ठीक है जी। ईवन कोमल मित्तल जी नूं भी पाई है। देखो कोई भी एक निक्का काम होवे जदों आपां उहदा कोई कॉन्ट्रैक्ट लैन जाने आ, एक कंपनी साढ़े को पुछदी है या साढ़े ऑफिस ही कोई कंप्यूटर ते काम करना आउंदा, उहनूं फस्ट क्वेश्चन असी पुट करदे हां कि तुहाडे को तजर्बा हैगा। सानूं भी लोग जदों असी पंजाब लैवल दे कोई कॉन्ट्रैक्ट लैने आ सानूं भी लोग पुछदे आ तुहाडे कोई तजर्बा हैगा। और इत्थे पब्लिक दे नाल खिलवाड़ किया जा रहा कि एक जिहड़ी बहुत अहमियत होंदी आ कारपोरेशन दे उपर सारा शहर हुंदा और कारपोरेशन दी जिहड़ी कमिश्नर आ उही जिहड़ी आ मतलब तजर्बेकार नहीं लाई, उहदी उम्र घट आ, उह उहनां नूं किसे नाल गल नहीं करन दा मतलब पता कि गल करनी किस तरह, ठीक है ना।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਇਨਕੀ ਜੋ ਇਨਕੋ ਕਾਰਭਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ 10 ਸਭ ਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਅਵੈਧ ਬਿਲਡਿੰਗੋਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਬਿਲਡਿੰਗੋਂ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮੇਂ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗੇ ਹੈ ਜੋ ਇਨਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲੋਕ ਵਾਇਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਈਏ, ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਨਕੋ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਆ ਉਨਕੋ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਥਾ, ਗਲਤੀ ਉਨਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਿੱਤਲ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਗਲਤੀ? ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੇ ਲੋਕਲ ਬੈਡੀ ਕੇ ਉਨਕੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਕੀ ਵੀ ਯਹੀ ਬਾਤ ਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਨੀ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। अगर आपका आपका ये जो शिकायत है, अच्छा मैं एक बात और करती हूँ, हम ये सोच रहे हैं, ये मेरे दिमाग की बात है, इसके हस्बैंड भी इसी शहर में एडीसी लगे हुए हैं, ठीक है जी, कोई भी शिकायत जब करते हैं, मेरे को लगता है कोई भी शिकायत जब डीसी लेवल पर करते हैं तो एडीसी के पास तो जानी है, ठीक है ना, तो हम लोगों को लगता है कि कार्रवाई का ये सबसे मेन बड़ा मुद्दा है कि दोनों ही तरफ इनकी आपस में मतलब कंप्रोमाइज टीम जो है बैठी हुई है, उधर भी ये, और सो इसलिए जो पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही। अगर इससे कोई गलती हो जाती है तो इसके हस्बैंड कवर कर लेते हैं, अगर हस्बैंड से कोई गलती हो जाती है तो ये कवर कर लेते होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लो आपकी ये जो शिकायत है आप गवर्नर को किया, सीएम को किया या किसको भी किया, नहीं सुनवाई होती, फिर क्या करेंगे आप? देखिए मतलब इसके हाईकोर्ट में हम लोग रिट डाल सकते हैं, मान जो हाईकोर्ट जो है वो इसके ऊपर निर्णय ले सकती है। जो एक्ट बना है, जैसे एक्ट की कॉपी आपके पास है, जो एक्ट बना है, एक्ट जिन्होंने इनको लगाया उनको एक्ट नहीं आता, तो कोमल मित्तल का की क्या गलती? अरे ये नहीं मैं जानती कि उनको एक्ट आता है कि नहीं आता है, मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी गलती जो हुई है उसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इनको लगाया गया है, मतलब कहाँ कमी रह गई है, उसको सुधार करने के लिए हम लोगों ने मतलब जो है ना इसमें आपकी ये जो एनवायरनमेंट और सोशल वेलफेयर सोसाइटी लोग वाइस के स्वार्थ की, आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है इनको बदलने में, कोई स्वार्थ तो नहीं है इन ये आवाज उठाने में, आपका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा गई? शुक्ला साहब पहले भी इतने खुलासे किए, उसमें से कौन सा स्वार्थ मेरा निकला ये बताएं आप मेरे को पहले। नहीं मेरा तो सवाल, मैं तो सवाल पूछूंगा। नहीं मैं भी सवाल ही आपको कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, अभी तक आपको ख्याल नहीं आया? नहीं देखिए जब किसी रास्ते पर चलते हैं, जब किसी की कोई वीकनेस पता चलती है तो फिर ही सवाल सामने खड़े होते हैं। मोती भाटिया की बात करें, सीएम से जांच आ गई है, क्या बना? सीएम से जांच आ गई, 24 घंटे के अंदर आ गई, करना तो इन्हीं थे, इन्हीं इन्होंने है ना, तो इन्होंने क्या किया? हम लोग ने आरटीआई डाल दी। कोमल मित्तल जब लगी तो निकाय मंत्री कौन था? तब सिद्धू साहब थे। सिद्धू साहब थे, सिद्धू साहब और मोती भाटिया की जो नजदीकियां हैं आपको मालूम है, सभी को मालूम है, तो मोती भाटिया का क्या बना? मतलब देखिए कार्रवाई तो इन्होंने करनी है, इन्होंने की कार्रवाई गरीबों के ऊपर की, उनकी रेड़ियां उठा ली गई, उनके घर मतलब जो है जो उन्होंने बनाए थे वो क्या कहते हैं रोड पर शेड वगैरह वो तोड़ दिए हैं। कुल मिलाकर हम बताएं लोक वाइज और एनवायरमेंट और वेलफेयर सोसाइटी के जो चेयरपर्सन रविंद्र कौर गिल, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी कार्रवाई होती है वो केवल गरीबों पर होती है क्योंकि अमीरों पर कानून नहीं चलता। यही कहना चाहती हैं आप? अमीरों पे दबंग लोगों पे कानून नहीं चलता, एक्ट नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। तो ये थी लाइव भारत पर स्पेशल बातचीत रविंदर कौर गिल से। जी मैं चैलेंज करके कह रही हूँ कि मतलब जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जितने भी कानून बने हुए हैं, सिर्फ सिर्फ वो गरीब के लिए बने हुए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके ऊपर मतलब कोई प्रेशर नहीं है, ना किसी ऑफिसर का और ना ही किसी मतलब पब्लिक का, तो हो ही नहीं सकता।
तो ये बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, और सवाल उठाए हैं एक्ट को लेकर। एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस के बगैर किसी को भी निगम कमीशन नहीं लगाया जा सकता। जी क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब हम लोग हाईकोर्ट में रिट डालेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन के अधीन, PIL के अधीन आप रिट डालेंगे। तो फिलहाल कोई भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये जनहित याचिका दायर करेंगे, ऐसा लोग वाइस और इन्वायरमेंट और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन मैडम रुपिंदर कौर गिल का कहना है। उनका यही कहना है कि शहर की कमान उनके हाथों में हो, जो इनलीगल यानी कि शहर को संवारने में काम करे और जो गलत काम होते हैं उनको रोकने में उनका हाथ आ गया है। फिलहाल हाथ वाली सरकार यानी कैप्टन सरकार में बिना एक्ट पढ़े किस तरह इतनी बड़ी पोस्ट में आगे लगा दिया जाता है, ये मेरे भी समझ से परे है। क्योंकि एक्ट कहता है कि किसी भी निगम कमिश्नर को लगाने से पहले उसको 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तो ये बड़े सवाल थे लाइव भारत पर। आप देखते रहे लाइव भारत, मनोज भगत के साथ समर शुक्ला को। जय हिंद, जय भारत।